इसके लिए करना आपको इतना है, सिर्फ एक पीला और लाल कपड़ा चाहिए आसन की नाप का 2x2 का। नीचे पीला कपड़ा बिछाइए, फिर कुछ धनिया की पत्तियां और कुछ धनिया के बीज डालिए और ऊपर से लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद आपको लिंगी मुद्रा में बैठ जाना है 5 मिनट के लिए। लिंग मुद्रा मतलब ये हाथ सीधा कर लीजिए, यानी अर्घा बन गया भगवान शिव का, और एक हाथ ऐसा अंगूठा करते ना ऐसे अंदर से उंगलियां बंद करके ऐसे उसको इस हाथ के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा। तो ये नीचे का अर्घा और ऊपर की ये शिवलिंग, ये लिंगी मुद्रा है, और हृदय के पास रखिएगा, सीधा ऐसे बैठिए। 5 मिनट अपने प्यार को याद करिए और कुछ थोड़े से धनिया के बीज और सामने धधकती हुई खूब अच्छी वाली आग, जिसे आप अंगार भी कह सकते हो, हाँ जी, धधकती हुई आग जिसे आप अंगार भी कह सकते हो, खूब लाल होनी चाहिए वो आग, पहले से बना के रखिएगा। उस अंगार में आप धनिया के कुछ बीज जो आपके सामने रखे हैं, हर बार एक लौंग का जोड़ा और कुछ धनिया के बीज लेकर के आपको स्वाहा करना है। अब स्वाहा करने की जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा हवन वाला होगा, पर आपका जो मंत्र होगा वो इस बार बहुत अद्भुत है। जो भी आपकी अपनी पत्नी है, आपकी लवर है, आपका प्रेमी है, आपका प्रेमिका है, जो भी है आप जो भी हो, आप उसको जिस नाम से बुलाते हो उस नाम से बुलाइएगा। जैसे भगवान के लिए हम बताते हैं, आप समझ जाओगे, भगवान कृष्ण कहां हो आओ ना स्वाहा, बाबू कहां हो आओ ना स्वाहा, प्रभु कहां हो आते क्यों नहीं स्वाहा। तो आप इस प्रकार से कर करके से कम 27 आहुति डालिएगा और उसे चलने दीजिएगा, उस धुएं को थोड़ा अपने आसपास आने दीजिएगा। उसके बाद जब वो पूरा जल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है। जो आपने आसन के नीचे धनिया की पत्तियां डाली है उनको सबको समेट के एक झाड़ू जैसा बना लेना है और उस धुएं में उसको राउंड राउंड 3 बार सीधा 3 बार उल्टा घुमा करके उस धुएं में से उसे अभिमंत्रित कर लेना। केवल धुआं दिखाने से अभिमंत्रित हो जाएगा और उसे तकिए के नीचे रख करके रात भर सो जाइए। सुबह उसको और आसन को और बची हुई धनिया की सामग्री और जो भी आग की राख है वो सारा का सारा किसी एक मिट्टी के कलश में भर दीजिएगा पूरी तरह से, और उसको कहीं भी बहुत वीराना होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर शहर में मिलता है, शहर के बाहर वीरानगी होती है, वहां जाकर के आप कहीं भी एकांत में चुपचाप रखते हैं, कहीं भी सड़क के किनारे भी थोड़ा हटके रखा जा सकता है। ऐसा करने से इसके लिए दिन निश्चित नहीं है, इसके लिए समय निश्चित नहीं है, आपको जैसी सुविधा लगे वैसे आप कर लें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होगा।